शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। जी हाँ, कुछ इसी सोच से शहीदों के सम्मान में देश में अपने तरह के अलग इनकलाब मंदिर में शहीदों को प्रतिदिन नमन किया जाता है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर शहीदों को नमन करने के बाद ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों को नमन करने के पश्चात ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में शहीद मंगल पांडे के वंशज देवी दयाल पांडे ने विशेष रूप से शिरकत की। इस अवसर पर शहीद मंगल पांडे के वंशज देवी दयाल पांडे ने कहा कि उन्हें यहां आकर बेहद अच्छा लगा। जिन शहीदों ने आजादी के लिए अपनी शहादत दी, उनको नमन करने के पश्चात ध्वजारोहण किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं इनकलाब मंदिर के संस्थापक एडवोकेट वर्याम सिंह ने कहा कि हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमें शहीदों की इस प्रकार सेवा करने का मौका मिलता है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार देश में शहीदों को संवैधानिक तौर पर शहीद का दर्जा देकर उनका सम्मान करे। इनकलाब मंदिर आया हूँ, जहाँ पे ये आज़ादी के पर्व का कार्यक्रम हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि सबसे पहले यहाँ पे जो देश के लिए हमारे वीर शहीद कुर्बान हुए हैं, देश के लिए आज़ादी के लिए कुर्बान हुए हैं, उनको सबसे पहले यहाँ पे नमन किया जाता है। और ये इनकलाब मंदिर में एक नई किस्म की मैंने पहल देखी है। और उसके बाद फिर राष्ट्र ध्वज का कार्यक्रम लहराने का कार्यक्रम किया गया। हमने आज़ादी का पर्व सर्वप्रथम वीर शहीदों को नमन कर उनको श्रद्धांजलि देकर मनाया है। और हमने उन वीर शहीदों को नमन किया है जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिनकी कुर्बानी, त्याग और बलिदान से हमें ये दिन आज का देखने का गौरव प्राप्त हुआ है। और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के इकलौते इनकलाब मंदिर में वीर शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उनको उनकी सेवा करने का जो दायित्व हमें मिला है, ये हमारा एक सौभाग्य है। और मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करूंगा कि वीर शहीदों को भारत देश में संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा दें, ताकि भारत देश में वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके और आज़ादी का पर्व जो है वो सही मान सम्मान के साथ मनाया जा सके। इनकलाब मंदिर से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ और शहीदों को अपने भगवान की तरह मानता हूँ। नित्य प्रति यहाँ आते हैं हम और पुष्प अर्पित करते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सुकून मिलता है।